इमरान खान 18 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर ममनून हुसैन ने बैरून मुल्क का दौरा मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास 13 अगस्त को शुरू होगा। हल्फ बरदारी होगी। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब भी किया जाएगा। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया की बनी गाला आमद। इमरान खान को जीत पर मुबारक दी। इंडियन क्रिकेटर्स का दस्तखत शुदा बल्ला इमरान खान को तोहफे में दिया। मुलाकात में पाक भारत तालुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान कहते हैं हमसायों से अच्छे तालुकात चाहते हैं। मिनिस्टर्स एनक्लेव में एक आम घर लिया जाएगा जो आम वजीर का घर है और उसी में वो जो है वो रहेंगे। उसमें कुछ मुरम्मत का काम है। शायद उस मुरम्मत के काम तक पंजाब हाउस में उनको कयाम करना पड़े। ये जो तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया है वज़ीर आज़म के लिए, इसका अखराजात खुद इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने जो है वो बर्दाश्त किए। तब्दीली आ गई। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस और पंजाब हाउस में कयाम नहीं करेंगे। बतौर वज़ीर आज़म मिनिस्टर इनक्लेव के आम घर में रहेंगे। तर्जुमान तरीके इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि बनी गाला में जो भी सिक्योरिटी इंतजामात हुए, इसके अखराजात खुद इमरान खान ने बर्दाश्त किए हैं। तहरीके इंसाफ ने बड़े पहलवान मैदान में उतार दिए। असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली, चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवार नामजद। चौधरी सरवर को गवर्नर पंजाब बनाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर आला पंजाब के नाम का ऐलान इमरान खान करेंगे। वजीर आला कौन होगा? मुकाबले में नई एंट्री। खुसरू बख्तियार के भाई मखदूम हाशिम जवाबख दौड़ में सबसे आगे। मखदूम हाशिम जवाबख पीपी 259 रहीम जार खान से मुंतखब हुए। बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात भी हो गई। इमरान खान पांचों हलके से भी क्लियर। NA-53 इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन जारी। वोट की राजदारी पामाल करने के मामले में माफी कबूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुखालफत। दीगर तीन नुमाइंदों ने जवाब कबूल कर लिया। केपी के बाद सिंध असेंबली का इजलास भी पीर को तलब। 9 मुंतखब अरकान 13 अगस्त को हलफ उठाएंगे। 15 को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 17 अगस्त की शाम वजीर आला सिंध की हलफ बरदारी होगी। जीत कर भी हार गए। इलेक्शन कमीशन का PK-23 चांगला में दोबारा इंतखाब का हुक्म। खवातीन का टर्न आउट 10% से कम रहने पर नतीजा कलगम करार। साबिक अरकान अभी तक पार्लियामेंट लॉजिस पर काबिज। CDA का कमरे खाली कराने के लिए ताले तोड़ ऑपरेशन। ताहिर इकबाल, काजिम शाह, फारूक सत्तार समेत 18 फ्लैट बागार, आफ्ताब शेरपाव, महमूद अशरफ सही समेत कई साबिक पार्लियामेंटेरियन ताहाज रिहाइश पर काबिज। अब्दुल अलीम खान नैब लाहौर में पेश। ऑफशोर कंपनी से मुतालिक तहकीकात की जा रही है। PTI रहनुमा का कहना है कभी कोई सौदा किया ना समझौता। 2013 में टिकट नहीं मिला फिर भी हमेशा इमरान खान के साथ अगली सफों में खड़ा रहा। जो भी वजीर आला का उम्मीदवार आएगा उसके साथ है। अगस्त नैब इंक्वायरीज के हवाले से सियासतदानों पर सख्त। 13 अगस्त को साद रफीक के मुस्तकबिल का फैसला मुतवक्के। 16 अगस्त को परवेज इलाही की तलबी। साफ पानी कंपनी स्कैंडल में 20 अगस्त को शहबाज शरीफ की पेशी होगी। मोनस इलाही और चौधरी शुजात भी नैब का सामना करेंगे। शरीफ फैमिली की दरख्वास्त जमानत की समाप्त में नया मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच फिर तब्दील। जस्टिस आमिर फारूक छुट्टी पर चले गए। जस्टिस अतर मेनुल्ला और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच समाप्त करेगा। सीनियर जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी को शामिल नहीं किया गया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर उमर जखीलवाल की मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान मफाहमती अमल और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मामलात भी जेर गौर आए। आहद चीमा की नई मुश्किलात, नैब ने आमदन से जायद असासों का एक और रेफरेंस तैयार कर लिया। आशियाना स्कैंडल केस में रिमांड में 20 अगस्त तक तौसी, अरबाब रहीम के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। कराची में घर से नाराज होकर जाने वाली 18 साल लड़की से ज्यादती, तबी मायने में तस्दीक हो गई। लड़की को ज्यादती से पहले नशावर गोलियां देने का इंकशाफ, पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश शुरू कर दी। ममता डाइन बन गई, बदामी बाग लाहौर में खातून ने 3 साल सौतेली बेटी का गला काट कर कत्ल कर दिया। खुशाब में स्कूल जाने की जिद करने पर सगे बाप ने बेटे को फंदा देकर मार दिया। अपेरेंटली उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट्स रह चुके हैं और मैट्रिक उन्होंने किया है, एज भी उनकी 16-17 साल है। तो हमने फौरी तौर पे उनकी तरफ से भी पुलिस मुलाजमीन पे ना सिर्फ पर्चा दर्ज कर दिया, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उन पुलिस मुलाजमों को चारों को मैंने मुअत्तल कर दिया। फैसलाबाद में मुबैना मुकाबले में हलाक दोनों नौजवान डाकू नहीं थे, पुलिस का एतराफ। CPO के मुताबिक दोनों तालबेल बेगुनाह थे, कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं मिला। फिलिस्तीनी सरजमीन पर कब्जे की वहशियाना कार्रवाई, मासूम बच्ची के सामने बाप को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी रुपया मजीद मजबूत, ओपन मार्केट में डॉलर 122.50 रुपए पर आ गया, इंटरबैंक में भी डॉलर 4 पैसे सस्ता। बढ़ गए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने माली साल के पहले महीने 1 अरब 93 करोड़ डॉलर वतन भिजवाए, तहसीलाती दर गुज़िश्ता साल से 25% ज्यादा है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते बल्दियाती नुमाइंदों को भी खुश कर दिया, लाहौर समेत पंजाब भर की यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी। जिन के सरकारी मुलाजिमों के लिए खुशखबरी, तनख्वाहें और पेंशन 17 अगस्त तक मिल जाएंगी। बेघर सरकारी मुलाजिमों के लिए पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत के फैसले पर भी अमल दरामद, रिहायशी अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, छोटे क्या बड़े क्या, हर कोई वतन की मोहब्बत में सरशार। आजादी की खुशियां धूमधाम से मनाएं, अपनी तैयारी 24 न्यूज के जरिए दिखाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। सुहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। खूबसूरत तगड़े और जानदार जानवरों की तलाश, मवेशी मंडियों में रौनक के अरूज पर, व्यापारियों को सहूलियात के फकदान का गिला तो ग्राहकों को कीमतें ज्यादा होने की शिकायत। ईद अज़हा 22 अगस्त को होने की उम्मीद, महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि 12 अगस्त को ज़िलहज का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। कभी पैसे के लिए नहीं खेला, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, चाहे सी कैटेगरी में हूँ या डी में, प्रोफेसर मोहम्मद हफीज लाइन पर आ गए, वजाहती बयान जारी। कौमी क्रिकेटर शाहजेब हसन को लेने के देने पड़ गए, स्पॉट फिक्सिंग केस में पाबंदी 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई, शाहजेब को सजा को चैलेंज करने का ऐलान। वो
मोहम्मद आरिफ, पाकिस्तान का हकीकी टैलेंट, बॉलीवुड के मशहूर गीत गुनगुनाकर सोशल मीडिया पर मकबूलियत समेटी। मोहम्मद आरिफ आयमा बेग के साथ 13 अगस्त को परफॉर्म करेंगे। सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ जिशान बशीर। और मैं हूँ इकरा हारिस। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि तर्जुबान पीटीआई कहते हैं कि इमरान खान 18 अगस्त को वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने अपना बरतानिया और आयरलैंड का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया है। उन्होंने 16 अगस्त को बैरून मुल्क रवाना होना था। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने हलफ बरदारी की तकरीब की वजह से दौरा मुलतवी किया है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की सरकारी रिहाइश से मुतालिक नया मौकिफ अपना लिया। पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान बतौर वजीर आजम मिनिस्टर्स एनक्लेव में रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए असद कैसर और स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए चौधरी परवेज इलाही को नामजद कर दिया गया। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब होंगे। नए पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाइश कहां होगी, ये वो सवाल है जिस पर पीटीआई वालों के पास भी कोई एक जवाब नहीं है। ताज़ा बयान फवाद चौधरी का आया, जिनका कहना है कि इमरान खान वजीर आजम हाउस और पंजाब हाउस में क्याम नहीं करेंगे, उनका क्याम मिनिस्टर इनक्लेव में होगा। मिनिस्टर्स इनक्लेव में एक आम घर लिया जाएगा जो आम वजीर का घर है और उसी में वो जो है वो रहेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का ये भी फरमाना था कि इमरान खान के जाती घर की ताज़ीम की अगर जरूरत पड़ी तो उसकी अदायगी खान साहब अपनी जेब से करेंगे। हम सरकारी कोई जो फंड है वो उसके ऊपर खर्च करने का इरादा नहीं रखते। यही वो मिसाल है जो इमरान खान ने वादा किया था कौम से करने का। चंद रोज पहले नईमुल हक ने कहा था कि इमरान खान बतौर वजीर आजम पंजाब हाउस में कयाम करेंगे, लेकिन अब फवाद चौधरी का नया बयान सामने आ गया। देखते हैं कप्तान अपनी रिहाइश से मुतालिक कब और क्या फैसला करते हैं। और इमरान खान ने तकरीबी हलफ बरदारी के लिए पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर्स को बाकायदा तौर पर मदऊ कर लिया। गवास्कर, कपिल देव और सिद्धू के अलावा 1992 की फातह टीम और मौजूदा कौमी क्रिकेटर्स को तकरीबी हलफ बरदारी में शिरकत की दावत दे दी गई है। इमरान खान की तकरीब हलफ बरदारी होगी यादगार। क्रिकेट की दुनिया के सितारे भी बनेंगे कप्तान के मेहमान। भारतीय हो या पाकिस्तानी, हर क्रिकेट सितारा जगमगाएगा तकरीब हलफ बरदारी में। इमरान खान ने भारतीय और कौमी क्रिकेटर्स को तकरीब हलफ बरदारी में मदऊ कर लिया। क्रिकेट के सितारों को दावत की तस्दीक पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद ने भी कर दी। इमरान खान क्रिकेट की दुनिया से भारतीय दोस्तों सुनील गावस्कर, कपिल देव और नवजोत सिंह सिद्धू को खास मौके पर ना भूले। भारतीय क्रिकेटर्स के अलावा 1992 वर्ल्ड कप की फातह टीम के स्टार भी होंगे कप्तान के मेहमान। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है इमरान खान लाखों कारकुनों के दरमियान हलफ उठाना चाहते हैं, लेकिन तकरीब ईवान सदर की जानिब से है, इसलिए चंद सौ अफराद ही शिरकत कर सकते हैं। इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद साबिक अराकीन कौमी असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस खाली करने के लिए तैयार नहीं। सीडीआर और इस्लामाबाद इंतजामिया ने ऑपरेशन करके साबिक पार्लियामेंटेरियन और उनके स्टाफ की 18 रिहायशगाहों को खाली करा दिया। ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत रहे तो मजे, ना रहे तो मसला ही नहीं, लॉजेस पर काबिज रहेंगे। ऐसा ही कुछ नजर आया पार्लियामेंट लॉजेस में, जहां 52 साबिक एमएनएस को जबरदस्ती सरकारी घर से निकालने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सीडीए ने ऑपरेशन किया और फारूक स्टार मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल और काजिम अली शाह समेत 18 साबिक पार्लियामेंटेरियन और स्टाफ के लॉजेस खाली करवा लिए। एक तरफ पार्लियामेंट लॉजेस खाली करवाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ 9 मुंतखब अरकान उन्हें आबाद करने आ रहे हैं। उनका कहना है लॉजेस का बुरा हाल है, और यहाँ प्लेट जो काबिल रहने की काबिल तो नहीं था। मैंने खुद ये पेंशन खुद शुरू किया है, तो उन्हें तो ये ऐसी नहीं होनी चाहिए था कि आप 5 साल यहाँ पे रह रहो, रहने करने के वक्त वो रहने की काबिल भी ना हो। सीडी और कौमी असम्बली इंतजामिया साबिक अरकान असम्बली को 3 नोटिस जारी कर चुकी है और अब उन्होंने लॉजेस खाली करवाने तक ऑपरेशन जारी रखने का तहिया किया हुआ है। वजीर आला पंजाब कौन होगा, बहुत से नाम सामने आए लेकिन फैसला नहीं हो सका। अब खुसरू बख्तियार के भाई मखदूम हाशिम जवां बख्त की एंट्री हुई है। नौजवान सियासतदान ने बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात की।
आखिर कौन होगा पंजाब का हुक्मरान? नाम पर नाम लेकिन फैसला कोई नहीं। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, अलीम खान, महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, कई नाम आए कई गए। गुज़श्ता दिनों कप्तान ने नौजवान सियासतदान राजा यासिर हमायों पर नजर डाली। कप्तान की नजर पड़ने की देर थी कि मालूम हुआ कि इन मौसूफ का माजी दागदार निकल आया। लेकिन इमरान खान भी पंजाब के लिए नौजवान कायद को लाने पर बज़िद हैं। अब उन्होंने जनूबी पंजाब के एक नौजवान को चुना है और ये नौजवान कोई और नहीं खुसरू बख्तियार के भाई हैं। मखदूम हाशिम जमा बख्त को बनी गाला बुलाकर इमरान खान ने मुलाकात भी कर ली। रहीम यार खान के हलका पीपी 259 से मुंतखब होने वाले इस नौजवान ने इलेक्शन से कबल ही तहरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। हाशिम जमा बख्त 2013 में भी MPA मुंतखब हुए। हाशिम जमा स्पेशल फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन रहे। उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी कैनेडा से BCOM कर रखा है और सिटी बैंक में नायब सदर के ओहदे पर भी रह चुके हैं। अब दुआ है कि हाशिम जमा बख्त का माजी साफ हो और इमरान खान पंजाब के लिए हुक्मरान का इंतखाब कर ही लें। उधर बनी गाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं का इजलास बेनतीजा रहा। सूबाई असम्बली के स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का फैसला नहीं हो सका। दोनों ओहदों पर फैसला एक दो रोज में मुतवक्के है। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के फैसले के बाद काबीना के हुजम और नामों का फैसला होगा। इजलास में इमरान खान ने परवेज खटक और आतिफ खान को इख्तलाफात खत्म करने की हिदायत की है। खानेवाल में मुलजिम को पेशी पर लाने वाले पुलिस अहलकारों को वकला ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तारिक नूरानी और उसके साथियों ने पुलिस वालों पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। आपको बता दें खानेवाल से जहां पे मुलजिम को पेशी पर लाने वाले पुलिस अहलकारों को वकला ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तारिक नूरानी और उसके साथियों ने पुलिस वालों पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी है। खानेवाल वकला मुलजिम को पुलिस हिरासत से छुड़वा कर ले गए और वकला ने पुलिस वालों पर हाथ अदालत में तशद्दुद करके मुलजिम को पुलिस की हिरासत में कर दिया। इस हवाले से बात करेंगे, नदीम मुगल हमारे साथ मौजूद है। नदीम, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये वाकया खानेवाल हाथ अदालत में पेश आया जिस पर थाना मखदूमपुर की पुलिस जो है आबिद नूरानी नामी मुलजिम को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के लिए है। वहाँ पर पुलिस अहलकार और वकला के दरमियान हता अदालत के अंदर जो है तू तकरार हुई और उसके बाद जैसी अदालत से बाहर निकले हैं पुलिस अहलकार के ऊपर हमला कर दिया है वकला और उसके दीगर साथियों ने। इस पता चले कि इसी मुकदमे में 3 दीगर मुलजमान भी थे जिन्होंने जो बुरी जमानत पर थे जो अहलकारों वो मुलजमान भी वकला के साथ शामिल थे और पुलिस अहलकारों को जो है का निशाना बनाया गया। उसके बाद DSP सदर खानेवाल, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरावाला के नवाही गांव लम्बावाली में कॉलेज के लड़कियों को तंग करने से रोकने पर बासर जमींदार के बेटों ने सऊदिया पलट नौजवान और उसके कजन को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवानों के घरों पर डंडों और असलहे से लेस होकर धावा बोल दिया गया। 24 न्यूज ने नौजवानों पर तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं, फैसलाबाद में 2 रोज कबल कत्ल किए जाने वाले 2 तलबा के केस की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई। CPO अशफाक खान का कहना है कि नामजद मुलजिमों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तलबा का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। ये उस तरह का पुलिस मुकाबला जो कोई डाकुओं के साथ नहीं कर रहे थे बल्कि ये पुलिस चेकिंग कर रहे थे पिकट के ऊपर मिलर टाउन पुलिस स्टेशन के इलाके में। वहाँ चेकिंग के दौरान हमें जो रिपोर्ट मिली कि ये पुलिस ने कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं हैं, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी फायर किया जिससे अनफॉर्चुनेटली वो ज़ख्मी हो गए। पुलिस वालों ने इनिशली इनको खुद 1122 वालों को इतला दी है और एम्बुलेंस पे लेके खुद हॉस्पिटल गए हैं। मैंने फौरी तौर पे एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी कल ही बना दी थी, आपको पता है इस बात का। उसको हेड जो है वो सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, SSP ऑपरेशन कर रहे हैं, साथ उनके SSP इन्वेस्टिगेशन है, SP मदीना टाउन है, SP लीगल हैं। इंक्वायरी कमेटी को हमने कहा था कि 24 घंटे कल दिए थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी इब्तदाई रिपोर्ट वो पेश कर देंगे। जबकि लवाइकिन ने जब कल हमें पता चला कि अपेरेंटली उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है बल्कि वो स्टूडेंट्स रह चुके हैं और मैट्रिक उन्होंने किया है, एज भी उनकी 16-17 साल है, तो हमने फौरी तौर पे उनकी तरफ से भी पुलिस मुलाजमीन पे ना सिर्फ पर्चा दर्ज कर दिया बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उन पुलिस मुलाजमों को चारों को मैंने मुअत्तल कर दिया।
उधर कराची में एक और लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। 18 साल निमरा को उसका दोस्त फार्म हाउस पर ले गया। पुलिस ने मुलजिम शाहरुख और उसके दोस्तों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे जिले हैदर। अलसुब अब्बासी शहीद अस्पताल में नीम बेहोशी की हालत में 18 साल निमरा को लाया गया। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को तलब किया। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि लड़की गुलशन मेमार में वाके फार्म हाउस पर थी, जहां उसके दोस्त और दीगर साथियों ने लड़की से ज्यादती की कोशिश की। इससे कबल निमरा को नशावर गोलियां खिलाई गयी। पुलिस ने शाहरुख और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया है। एक लड़का वहाँ से फरार हो गया है। डॉक्टर्स ने लड़की के खून के नमूने भी टेस्ट के लिए लेबोरेटरीज भेज दिए हैं। लेडी एमएल और डॉक्टर सुमैया ने लड़की से ज्यादती की तस्दीक करते हुए कहा है कि लड़की को इंजेक्शन के जरिए नशावर अद्वियात दी गई हैं। ताहम खून की रिपोर्ट आने के बाद नशावर अद्वियात के बारे में इल्म हो सकेगा। चेक किया है, मैंने रिपोर्ट दे दी है, उसके टेस्ट भी करवा लिए, रिजर्व करा दिया है, हमने ब्लड सैंपल भी दिया है फॉर एन इंटॉक्सिकेशन के लिए। इत्तला मिलते ही लड़की के चचा और दादी भी अस्पताल पहुंच गईं, जहां उन्होंने इंकशाफ किया कि लड़की इससे कबल भी 3 बार घर से भाग चुकी है और 1 महीने बाद वापस आई थी। अब पुलिस वाले हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखते और हमारा मजाक उड़ाते हैं। बस वो खाने के अंदर मजाक बन गए, शरण वगैरह करते नहीं, बोलते हैं रोज का मामला है, आज दिन भागती रहती है, लोग कब तक रिपोर्ट करेंगे। 4 दफा घर से भाग चुकी है। पुलिस ने लड़की के इब्तदाई बयान के बाद हिरासत में लिए गए लड़कों से तफ्तीश शुरू कर दी है और लड़की के होश में आने के बाद वाकये का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और 24 घंटे के दौरान कराची में लड़की से ज्यादती का दूसरा वाकया भी सामने आ गया। मेमन गोट में माजूर लड़की से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ जिले हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जिले हैदर बताएगा पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुंची इस सिलसिले में। देखिए, ये दूसरा वाकया जो हुआ है ये मेमन इलाका है, ये भी मलीर जिले में ही आता है। यहाँ पे एक घर में एक माजूर लड़की थी जो कि बैरी थी, जैसे चलने से भी वो माजूर थी, उसके साथ रेप किया गया, उसकी तस्दीक भी कर दी गई है। मुलजिम जो कि करीबी बाड़े पे एक बैसों के बाड़े में काम करता था जिसका नाम शुएब है, उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसने इतराफ़ जुर्म किया है, इसके बाद उसे बाकायदा गिरफ्तार मुकदमा। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले हैदर बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। लाहौर के इलाके बादामी बाग में 3 साल बच्ची को मुबैना तौर पर सौतेली मां ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर वाकई की तहकीकात शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। घरेलू तनाजा या फिर रिवायती सौतेलापन, 3 साल बच्ची की मौत मुहिमा बन गई। सौतेली मां मौके से फरार। बादामी बाग के इलाके में 3 साल मरियम को मुबैना तौर पर उसकी सौतेली मां फायका ने तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। बच्ची की सगी वालिदा महविश का कहना था कि उसके शौहर ने दूसरी शादी करने के बाद घर से निकाला और दोनों बच्चियां अपने पास रख ली। कत्ल सौतेली मां ने किया है। मेरी इजाजत के बगैर ही दूसरी शादी कर ली थी, मुझे बताया भी नहीं था, और फिर बाद में इन्होंने मेरी बच्चियाँ छीन ली। रात के टाइम मुझे नंगे पाँव मार के बाहर निकाल दिया था सबने। पुलिस का कहना है कि बच्ची के चेहरे पर चोट के निशानात मौजूद हैं, लेकिन मौत की वजूहात का तायुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया जाएगा। जब वहाँ पहुँचे वो लाश बच्ची के कब्जे में लिए तो हमें बाजार कोई फ्रेश जख्म नजर नहीं आया, उसकी ठोड़ी पे पुराना जख्म का निशान जरूर था। पुलिस ने बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इन शाहिदीन के बयान कलम बंद करके तहकीकात शुरू कर दी है। अहम खबर शामिल करेंगे। डेरा इस्माइल खान में टारगेट किलिंग के खिलाफ MWM ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और DI खान में दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया है। इस हवाले से बात करेंगे गौहर महसूद से। गौहर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज डेरा इस्माइल खान में टारगेट किलिंग के सिलसिले में आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर MWM के ज़ेर इहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया और इस एहतजाजी मुजाहरे में ये मुतालबा किया गया जो डेरा इस्माइल खान में टारगेट किलिंग हो रही है उसको फिर रोक दिया जाए और इसी हवाले से इंतजाम कराया जाए, जबकि वजारत मुतालबा किया गया कि इस हवाले से अब तहकीकात की जाए और कमीशन बनाया जाए ताकि जितनी भी ये वाकयात हो रहे हैं इसमें कौन मुलव्वस है और कौन इस हवाले से। शुक्रिया आपका। उधर शेख रशीद पर इमरान खान मेहरबान है मगर पार्टी रहनुमा नाला है। चेयरमैन PTI ने शेख रशीद को वजारत दाखिला देने का इंदिया दे दिया जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। इस हवाले से बताएंगे वलीद चौधरी। वलीद, बताएगा इस हवाले से।
بالکل دیکھیں جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہیں ان کی زیر صدارت جو مشاورتی اجلاس ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جاری ہیں. جو ذرائع ہیں ہمارے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے جو ان کے اتحادی ہیں شیخ رشید ان کو جو وزارت داخلہ ہے وہ دینے کا جو اندیا ہے وہ دے دیا ہے. اس حوالے سے جو دیگر سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اب وہ نہ صرف نالا نظر آتی ہے بلکہ تحفظات کا اظہار بھی جو ہے وہ کرتی دکھائی دے رہی ہے. ذرائع کا ہمارے یہ بھی بتانا ہے کہ جو پارٹی رہنما ہے وہ اہم قلمدان شیخ رشید کو دینے پر جو ہے وہ اس وقت مخالفت کر رہے ہیں, اور جو پرویز خٹک اور شفقت محمود ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ وزارت داخلہ کے قلمدان کے خواہش مند ہیں. شکریہ آپ کا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے بے مثال مسیحا ڈاکٹر روتھ فاؤ کی جن کی پہلی برسی ہے. انہیں ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. چار اگر ختم ہو جیے بیمار کچھ نہیں صحت و مرض پر مدار, چار اگر بھی جو یوں گزر جائیں پھر یہ بیمار کس کے گھر جائیں, کاش دل خون ہو کے بہ جائے کاش آنکھیں لہو میں بھر جائے, تو نہیں اے طبیب لاسانی مر گئے بو علی گیلانی, خود مسیحا اجل سے ہار گیا زندگی تیرا اعتبار گیا, موت بھی ہاتھ مل رہی ہوگی ایسی کچھ زندگی گزار گیا, درد مندان غم کہاں جائیں جب مسیحا آئے روزگار گیا, آتار الشفا کی ویرانی آج اس گھر کا برگوبار گیا. اور اب بات ہوگی جشن آزادی کی تیاریوں کی. جشن آزادی کے موقع پر اپنا پیغام یا اپنی آواز میں ملی نغمہ ریکارڈ کر کے 24 نیوز کو بھیجیں, ہم منشر کریں گے. ہمارا نمبر ہے 0317-124-2424. پاکستان زندہ باد. سلام پاکستان. سلام پاکستان. سلام پاکستان. سلام پاکستان. سلام پاکستان. سلام پاکستان. سوگنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد. میری جان پاکستان. آئی لو پاکستان. دل دل پاکستان. جان جان پاکستان. پاکستان زندہ باد. جب ہندوستان کی تقسیم قریب قریب تھی تو وہ علاقے جو ریڈکلف ایوارڈ کے تحت تقسیم کے مراحل سے گزر رہے تھے وہاں سخت پریشانی تھی. عبد القیوم اس وقت 17 برس کے تھے اور بٹالہ سے جڑاوالا کی طرف سفر کر رہے تھے. مزید بتا رہے ہیں رضا کھرل اس رپورٹ میں. ہمارے ساتھ عبد القیوم صاحب موجود ہیں جو تقریباً 87 سال کی عمر کے ہیں اور انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے. ادھر سے ایک عزیز تھے ہمارے, وہ ادھر آئے, وہ گرداسپور میں تھے تو میں گرداسپور آیا ان کے ساتھ, پھر شکر گڑھ آ گیا میں بھی, پھر پیدل چل کے ناروال آئے شکر گڑھ سے, پھر گاڑی میں لاہور آئے, پھر میں جڑا والے چلا گیا. میں وہ ریل کے جو جوائنٹ ہوتے ہیں نا وہاں کھڑا ہو کے جڑا والے گیا, میں دیکھ رہا تھا یہ سپاہی وہاں کا یہ بالدار والے جانتے, کسی نے مجھے لفٹ نہیں کرائی. میں نے ایک فلم دیکھی تھی, ایسے تھوڑا سا چیز دیکھا تھا, ایک ٹرالا آ رہا ہے, ٹرالا تو ایک عورت بیٹھی ہے, بچہ اٹھایا اس نے تو چھکڑا ایسے سے ہل رہا ہے, ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے نا تو بچہ گر جاتا ہے, وہ منہ ادھر کر لی تو لوگ بھاگ کے آ رہے تھے چھکڑوں پر پیدل آ رہے. میں نے یہاں آ کے دیکھا جب میں ان سے وہ ریلوے لائن کے پاس لاشیں پڑی تھی جانوروں کی آدمیوں کی, یہ جگہ یعنی ناروال سے آگے شکر گڑھ سے آتے ہیں تو جسٹ کا پل تھا یہ 1936 میں بنا تھا. اچھا تو یہ انہوں نے توڑ دیے پاکستان میں, مگر نہ وہ آ جاتے ہیں ادھر, اگر وہ انٹر ہو جاتے تو آپ کا آپ ختم تھے. سکھ سارا اکٹھا ہو گیا تھا جڑا والا روڈ تھا منڈی میں, ان کا پلاننگ تھا کہ مارے گاؤں, جو گاؤں تھے نا مسلمانوں کے جڑا والا روڈ پر وہ سارے شہر میں آ گئے تھے, ان کا ڈر تھا کہ سکھ ہم پر حملہ نہ کر دیں.
بس یہی تھا کہ پاکستان لے کے رہیں گے ہمارا ملک ہوگا ہم وہاں رہیں گے آزادی ہوگی لیکن تیاری کسی کی نہیں تھی نہ لیڈروں کی تھی اب وہاں کی تیاری کیا ہونی ہے ہندوؤں نے اکھاڑے بنائے ہوئے تھے گھر ہر شہر میں سارا اسٹاف مسلمانوں کا وہ سارا ہندوؤں کا رکھا ہوا تھا ان کی پلاننگ تھی نا ہم تو نعرے لگانے والے ہیں ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں ہمیں ابھی تک ہوش نہیں آئی ہم نے کیا کرنا ہے یعنی 40 کے بعد وہ تیار ہو گئے تھے اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے کہ انہوں نے پاکستان لے لینا ہے تو اپنی تیاری رکھو کیا پاکستان کیا ہوگا یہی سنتے جی ماں ہماری اپنی حکومت ہوگی آزادی ہوگی میں پاکستان خد و خال کوئی نہیں تھے کہیں مکان بنانا ہے تو اس کے لیے تیاری تو کرو نا میٹ روڑا گارا اکٹھا کرو ہم نے ابھی تک یہ سیکھا ہی نہیں کہ پاکستان بنایا کیوں تھا کس نے بنایا تھا کیا کرنا ہم کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ رضا کھرل لاہور سٹار کرکٹر شاہد آفریدی بھی کراچی کے بے ہنگم ٹریفک سے تنگ آ گئے شاہد آفریدی نے شہریوں سے ٹریفک قوانین پر عمل کرنے اور ٹریفک پولیس کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے ون وے کی خلاف ورزی حادثات کو جنم دیتی ہے کسی بھی صورت میں ون وے کی خلاف ورزی سے گریز کریں کیونکہ اس طرح آپ اپنے اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں کراچی ٹریفک پولیس کی ون وے کے خلاف ورزی کو روک تھام کے لیے ایک عزم کیا ہوا ہے پلیز ہم سب کو مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے تھینک قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے خاموشی توڑ دی کسی بھی کے سینٹرل کانٹریکٹ پر انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے کہتے ہیں ہمیشہ ملک کے لیے کھیلا کبھی پیسے کے لیے نہیں کھیلا میں کیٹیگری سی میں ہوں یا ڈی میں کھیلوں گا اور پاکستان کے لیے کھیلوں گا محمد حفیظ نے ٹویٹ کیا ہے اور پی سی بی کے سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چاہے سی کیٹیگری میں رہوں یا ڈی کیٹیگری میں ہمیشہ ملک کے لیے کھیلا ہوں اور آئندہ بھی ملک کے لیے ہی کھیلوں گا